स्वागत है किसान वीरों तुहाडा यूट्यूब चैनल सिदक डेयरी फार्मिंग दे विच। किसान वीरों अज जिहड़ी वीडियो बना रहे हैं एक बार फिर पिंड बैक गुजरां नूं तहसील जीरा ते जिला इन्हां नूं फिरोजपुर पैंदा। दोस्तों इस पिंड दे विच बाई जी होरां कोल बहुत सारे पशु घरे रखे है ते अज जिहड़ी दोस्तों वीडियो बनाउणी है उहदे च तीन गाइयां बाई जी होरां ने वेचणियां। तिन्ने गाइयां तुसीं सामने खड़ियां देख रहे हैं, पहले नंबर तो लैके इधर तीजे नंबर तक तीन गाइया बाई जी उन्होंने वेचनिया, तो एक चौथे नंबर पर इन्हों को एक झोटी जी सून दे नेड़ है। दिन किन्ने लेंदी है जां की इहदी डिटेल है, ये सारी गलबात बाई जी होरां नाल करांगे। एक कई वीरां दे कमेंट आए सी भी जिहड़ा किसी भी वीर कोल शैड वगैरह बनिया हुंदा माड़ी जी वीडियो उन्हां दी बना दिया करो। सो दोस्तों तुसीं देख सकते हैं इस साइड पर इन्हां दे जिहड़ा हैगा बाहर पशु बन्नण वास्ते जगह बनी हुई है, तो एक इन्होंने शैड बनाया होया दोस्तों, चादरां पाईआं होईआं। लगभग इहदी जिहड़ी शैड की चौड़ाई है वह 45 फुट है तो लंबाई जिहड़ी है वह 70 फुट है, 70-45 इहदी जिहड़ी तुसीं कह सकते हो इहदा घेरा है दायरा इहदा जिहड़ा इह इन्ना। खुरलियां दोनों साइड पर बनियां, बाकी हवा आउण वास्ते बारियां रखियां होईआं, तो नाल पखे जिहड़े आ उह दोस्तों वड्डी मोटर दे बनाए हुए आ बाई जी उहनां ने, क्योंकि खेतां च घर है ढाणी इहनां दी खेतां दे विच, सो इत्थे मच्छर की समस्या ज़्यादा रहिंदी आ। आओ दोस्तों बाई जी उन्होंने गलबात करते हैं तो डिटेल इन्होंने पशुओं बारे सारी उन्होंने तो लै लें। बाई सत श्रीकाल। सत श्रीकाल भाई, नाम दस्यो वीरे अपना। नाम मेरा पलविंदर सिंह जी। पलविंदर सिंह, व्यापार का काम भी करते हैं वीरे नाल? जे कोई डंगर चंगा जे ते लैईदा जी। ठीक है, जानी ज्यादा नहीं है ना? ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मेन जो पशु फिर घरे रखने का ही रुझान है ज्यादा? हाँ जी हाँ जी, मेन घरे रखने। ठीक है, दुध डेयरी से पाने के? हाँ जी हाँ जी, डेयरी से पाने। की रेट लगी जांदा बई गायां दा? 25-26-24 इत्थे लगी जांदा जी गायां दा। हां जी। ते मझ दा? मझ दा 50 रुपए। ठीक है, ते जिहड़ी इहनां नूं फीड वगैरह पाउणे आ उह? फीड आपदी लिया तैयार करी आ। आपदी तैयार करवाउणी? हां जी। ठीक है, ते जिहड़ी अज आपां बई जी वीडियो बनाउणी उहदे च इह मझ जिहड़ी आपां वेचणी है, हां जी हां जी, इहने किन्ने सूए सूणा? इहने दूजे सूए सूणा जी। दूजे सूए सूणा, इह मुल लैंदी आपां वैसे? हां जी हां जी, मुल लैंदी। ठीक है, किन्ने दिन रहिंदी इहदे सूण? इहदे 10 दिन रहिंदे। ठीक है, ते की इहदा रेट करदे आपां? इहदा रेट 66,000 करदे। 66,000 दोस्तों, थोनू मझ तोर के भी दिखाने, खोलो बई जी माड़ा उधर नू तोर लो जी। बहुत सोहनी मझ है, ये दूजे सूए सोना थाना जिथी तुसीं इत्थों देख लो, हजे 10 दिन की कच्ची है। सिंघ सोहना दोस्तों, गोल कुंडा सिंघ है, स्ट्रक्चर थोनू जदों तुरूगी मझ उदों अंदाजा लगेगा। देख सकते हैं दोस्तों सोहने हवाना तैयार करती आउंदी है। रेट भी बई जी होरां ने जायज 66,000 रुपया रेट रखे, थोड़ा बहुत मानता ने इहदे चों थोड़ा जरूर बई जी होरी करनगे। बाकी इन्हां कोल गाइयां भी है दोस्तों, वह भी थोनों दिखावांगे। मेन ये मझ तुसीं पहलां देख लो, उदू बाद च तीन गाइयां बाई जी होरां कोल बकाऊ है। इहदा थनलेवा दोस्तों थोनों मैं फिर दिखा दिंदा, क्योंकि बिथी चंगी है थणा दे विच, देख सकदे हो तुसीं, थोनों वीडियो दे विचों अंदाजा हो जूगा। एक निक्की जी शाख दोस्तों उरले पासे वाले थणा दे विच हैगी है, पर वह सिर्फ नामात्र ही है, वीडियो चो दिखाउणा मेरा फर्ज है थोनों, देख सकदे हो दोस्तों, पर वह बिल्कुल जानी चलन की कोई 0% संभावना भी चल सकती नहीं, कि वह जिहड़े कंडीशन दे विच हैगी। सो ये तुसीं देख ली है मझ, इह तों बिना गाइयां बाई जी होरां कोल तीन, इन्हां दी भी डिटेल इन्हां तों लै लैणी है। बई जिहड़ी इह पहले नंबर ते गां, इह 91 सूए सूई है? इह दूजे सूए सूई है जी। किन्ना चिर हो गया सूई नूं? इहनूं लगभग 5 महीने हो गए। करदी है इह? हां जी इह करदी है। ठीक है, ते हुण गब्बण इह? इह 1 महीने 5 दिनां दे गब्बण है। एक महीना तो 5 दिन जानी टीका भराए नूं होया, चेक च तां आउंदी नहीं है ना? हां जी, चेक च नहीं आउंदी, वच्छी दे नाल है जी। ठीक है, वच्छी नाल है। ते किन्ना दुध है बई जी? इहदा दुध इस टाइम 12 किलो है जी। इस टाइम 12 किलो है। ताजी सूई ने किन्ना दुध दित्ता? ताजी सूई ने 22-23 किलो। 22-23 किलो दुध दित्ता। हां जी। हुण ज्यादा घटन दा कारण गर्मी वध मनाउंदी? हां जी हां जी, गर्मी वध मनाउंदी। ठीक है, खोलो इहनूं भी। दोस्तों इह गां तुहानूं दिखा दिंदे आ, स्ट्रक्चर बहुत सोहणा है, ब्रीड च पैंदी है, कद काठ चंगा है, वच्छी इहदे नाल इह है दोस्तों, इह वी तुहानूं दिखा देंगे। 5 महीनियां दी सूई है, देख सकते हैं तुसीं, कद काठ चंगा दोस्तों, थनलेवे दी भी साफ है, दुध 12 किलो है। गर्मी थोड़ी जी वध मनाउंदी है दोस्तों, उहदे करके बाई जी दस्सदे वी दुध जिहड़ा इह डाउन आ गई, नहीं तां इह दुध 16-17 किलो ते हुण भी चल रही सी। टीका भराए नूं दोस्तों अज 35 दिन होए आ, बाकी चेक पास च तां चलो इह नहीं आऊगी दोस्तों, क्योंकि 35 दिनां दा पशु आपां चेक नहीं करा सकते, बाकी रेट बाई जी होरां तों इहदा जरूर पुछ लैणे आपां। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਰੇਟ 36,000 ਕਰਦੇ ਆ। 36,000? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਤੋਕੜ ਗੱਬਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ।
5 महीने हो गए सूई नूं। हां जी, ते गबन किन्ने चिर दी है? ए 3 महीना उपर आ गबनी। 3 तो उत्ते चेक पास है? हां जी, चेक पास है। ठीक है, ते दुध इस टाइम किन्ना? इस टाइम दे 13 लीटर दुध है। दोनों टाइमां दा 13 किलो दुध हैगा? हां जी, हां जी। ठीक है, ताजी सूई किन्ना क दुध देंदी? ताजी सूई दा 22 लीटर है। ताजी सूई दा 22 लीटर। हां जी, ते एदा की रेट करदे? एदा 37000 रुपए। 37000 दा? हां जी। ठीक है, खोलो भाई जी, इहनूं अंदर नूं ले जाओ। दोस्तों, ए वी गां थोनूं दिखा दिंदा मैं, चंगी गां इह। दुध इस टाइम जिहड़ा हैगा वो 12-13 किलो दुध तैयार है, देख सकते हो तुसीं। बाबां दी दोस्तों, ये गां दे हवाने दे विच मैनूं थोड़ा फर्क लगा, तुसीं वीडियो दे विचों देख लेना। ये मैं तां थोनूं दोस्तों हरेक चीज़ तो दिखा दिंदा ना, क्योंकि तो किसी वीर ने दूर तो आना है तो उदू बाद उहनूं ये चीज़ां पहलां ही पता होणियां चाहीदियां, ताकि उहदा गेड़ा जिहड़ा ना इस दे विचों लगे। बाकी हरेक वीडियो च ये गल मैं करदा हुंदा वी मैं वीडियो बनाउण आउणा है, कोशिश करदा थोनूं हरेक पक्ष तों पशु दिखाउण दी। तसल्ली दोस्तों, आप आके करनी है तुसीं, थोनूं पशु वीडियो दे विचों कई वार मैं पहलां वी कहिंदा हुंदा वी चंगा पशु माड़ा लगदा कई वार, ते कई वार माड़ा पशु जिहड़ा वीडियो दे विचों बहुत चंगा लगदा। सो जदों तुसीं सामने देखोगे उदों थोनूं तसल्ली होऊगी किसे वी पशु की। बई जी, इहदे हवाने दे विच जिहड़ा गां दे फर्क है, ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? 2-4 ਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਬਸ। 2-4 ਧਾਰਾਂ ਮਗਰਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਪਰ ਗਾਂ ਗਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 91 ਸੂਏ ਸੂਈ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ? ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ? 16 ਲੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ 16 ਲੀਟਰ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਤੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਇਹਦਾ? ਰੇਟ ਇਹਦਾ 40000। 40000 ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਮਹੀਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਬਰੀਡ ਚੰਗੀ ਆ ਗਾਂ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 16 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ। ਹਵਾਨਾ ਦੋਸਤੋ ਸੋਹਣਾ ਗਾਂ ਦਾ, 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਕੋਲ 1-2 ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। 40000 ਰੇਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਤਿਲਕਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਨਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 4 ਪਸ਼ੂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਊ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ